भाजपा विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। यह बात आज शिमला में भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने कही। संजय टंडन ने कहा कि 17 संगठनात्मक जिलों में भाजपा लगातार पन्ना प्रमुखों व पन्ना समितियों की बैठकों में रणनीति तैयार की जा रही है ताकि हर वोटर से संपर्क बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पन्ना समितियों को देखकर कांग्रेस ने भी अपने अध्यक्ष की समिति बना दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और चुनाव जीता, लेकिन इसके लिए एक भी कदम नहीं उठाया, जबकि भाजपा ने गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीब परिवार के लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं चलाई। किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 9,27,000 किसानों को फायदा मिला। भाजपा की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया। भाजपा प्रदेश में मिशन रिपीट की ओर बढ़ रही है। पिछले लगभग 5 दिन से जो हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास चल रहा है और सब जिले जो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिला स्तर के ऊपर ग्राम केंद्र प्रमुखों की अभ्यास वर्ग के लिए ये बैठकें, जो 2 बैठकें मैंने ली हैं, 3 बैठकें इसी तरीके से हमारे जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश राय खन्ना जी ने, इसी तरीके से आदरणीय सुदान सिंह जी ने और पवन राणा जी ने, जो संगठनात्मक इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत हैं। सीरियसनेस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। इसके साथ ही जब मैं दूसरी ओर देखता हूँ कि हमारी जिस तरीके से पन्ना समितियाँ बनी हुई हैं, पन्ना समिति होती है कि एक पेज होता है जो वोटर लिस्ट का, उसको पन्ना बोलते हैं, तो लगभग 30 वोटर्स उसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक इंचार्ज होता था उस पेज का, अब उसके ऊपर आगे बढ़ के हमने 3-3 इंचार्ज, जिसकी हमने पन्ना समिति बना दी, तो उस ढंग से हम लोग कार्यरत हैं। मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ, कांग्रेस ने जो है उस रचना को देखते हुए अपने प्रधानों की समिति बना दी है। हमारी पन्ना समिति एक पेज के ऊपर जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों की समिति बना दी। इतने अध्यक्ष बन गए हैं कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसी चीज़ को कॉपी करते हुए अपनी हमारी पन्ना समितियों से अध्यक्ष समिति तक पहुँच गए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।